लाइफ में फर्स्ट टाइम सनग्लास पहनी हूँ। तो पकौड़ा बहुत ही ज़्यादा घटिया था, मतलब मैं लाइफ में इतना घटिया पकौड़ा नहीं खाई हूँ, बस पैसा दिए थे तो इसलिए खा लिए। दुकान है चाय का दुकान, तो जानबूझ कर हॉर्न बजा रहा ताकि वो मुझे डिस्टर्ब कर सके। सो हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, मैं हूँ पिंक और आशा करता हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ एक जगह में घूमने। भाई लोग बोल रहे थे बहुत ही अच्छा सा प्लेस है, कुछ मंदिर टाइप है, तो मैं जाऊँगी, बहन जाएगी, भाई और बिल्टू दा, मैं जिस मतलब जिनको दिखाई थी ब्लॉग में वो और रीतम जाएंगे, सब चारों साथ में, चार नहीं पाँच हो जाएंगे शायद, हम पाँचों साथ में जाएंगे। और चलिए आप लोग को मैं घुमाती हूँ यहाँ का प्लेस कैसा है कैसा नहीं, आप लोग भी इंजॉय कीजिए। तो पूरा ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए, पूरा ब्लॉग को इंजॉय कीजिए। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं और मंदिर का सामने का देखिए कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। मतलब हम लोग के यहाँ का जो दक्षिणेश्वर है ना कुछ ऐसा टाइप का ही दिखता है। तो चलिए एंट्री करते हैं, जाते हैं देखते हैं अंदर कैसा क्या है। तो देखिए ये लोग को देखिए, मेरे जाने से पहले ये लोग पहुंच चुके हैं और मंदिर अभी तक बंद था। हम लोग आए थे शायद 10-15 मिनट हो गया हम लोग वेट किए, तब जाके पुजारी जी आके मतलब मंदिर खोल रहे हैं और मंदिर सच में बहुत ही अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे राधा कृष्णा जी है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो चलिए सब लोग प्रणाम कर लीजिए, हम भी कर लेते हैं। तो यहाँ से मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है क्योंकि मतलब यहाँ से ही स्टार्ट हो गया था कीर्तन बजना और वो भी नॉर्मली नहीं हो रहा था, वो बॉक्स में बज रहा था गाना टाइप का। तो मैं सोची कि कॉपीराइट आ जाएगा तो इसलिए मैं यहाँ से मतलब वॉइस को कट कर दी हूँ और मैं एडिटिंग के टाइम ओवर वॉइस दे रही हूँ। तो देखिए पूरा मंदिर को देखिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। जो लोग कोलकाता का जो दक्षिणेश्वर मंदिर है वो जानते हैं, देखे होंगे वो लोग, तो शायद इसका पूरा मील मतलब समझ आ जाएगा। पूरा सिमिलरिटी है, पूरा मतलब सेम ही दिखता है दक्षिणेश्वर मंदिर के जैसे ही। अरे यहाँ पे देखिए मैं उसका वीडियो बना रही थी, बहन कर बहन मेरा वीडियो बना रही थी। अरे यहाँ पे देखिए महादेव, ये था व्हाइट शिवलिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था और मैं यहाँ पे थोड़ा सा घंटा बजा रही थी, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब महादेव देख के तो मेरा दिल को पूरा सुकून आ जाता है। और यहाँ पे देखिए बाहर का नज़ारा देखिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, पूरा गाँव में था ये जगह और बहुत ही अच्छा था। देखिए पूरा खेत चारों साइड और एक सामने एक तालाब था और बहुत ही अच्छा एक बैठने का जगह भी था। देखिए ये मंदिर टाइप का किया गया है, वो बाहर है मंदिर से अलग है और वहाँ पे बैठते हैं सब लोग, बहुत ही अच्छा था। इधर भी देखिए एक मंदिर है, मतलब पूरा राउंड करके सब किया गया है, राउंड करके थोड़ा थोड़ा करके मंदिर रखा गया है, भगवान जी है, बहुत ही अच्छा दिखता है। तो चलिए अब यहाँ का जो सबसे बड़ा मूर्ति है मैं वो दिखाती हूँ, जो है तारा माँ का मूर्ति, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर। आप लोग देखेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे, मतलब सच में बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है, मैं दिखा रही हूँ। देखिए ये देखिए, मतलब पूरा फूलों से ढका हुआ था, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। और साइड पे है महादेव, रुके मैं दिखा रही, देखिए बहुत ही सुंदर था। और मतलब वहाँ पे जाओगे ना आप, पूजा वगैरह करोगे तो बहुत ही मन को शांति मिलता है, बहुत ही अच्छा सा प्लेस, एकदम शांत प्लेस, बहुत ही अच्छा था। तो हम लोग बस घूमने नहीं गए थे, हम लोग पूजा भी देने गए थे। तो यहाँ पे देखिए रीतम पूजा का जितना भी सामान वगैरह लगता है, आलता, सिंदूर, धूप काठी, बाती, सब कुछ अरेंज करके लाया था और यहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे थे। और जो पुजारी थे वो भी बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे से हम लोग के साथ बिहेव कर रहे थे। यहाँ पे देखिए हम लोग को भी टीका भी पहना दे रहे थे। तो पूजा हो जाने के बाद देखिए मोमबत्ती या धूप काठी को मतलब पुजारी जी बोल रहे थे कि यहाँ पे मत दो, क्योंकि मतलब भक्त लोग आते हैं ना पूजा देने के लिए, तो वहाँ पर बैठते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, चल जाएगा कपड़ा वगैरह ये सब, तो इसलिए मना कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए रीतम और मना जहाँ पर मतलब मोमबत्ती को बैठा रहे थे तो वहाँ पर हम लोग दिए थे, और मतलब साइड में आप लोग दे सकते हो। और यहाँ पर देखिए बिल्टू भैया पूजा कर रहे हैं, तो मतलब साइड में दे सकते हो, मतलब साइड में जैसे कि दो शिवलिंग है साइड में, दोनों साइड में, और पीछे एक भगवान जी है, राधा कृष्णा जी है नीचे, तो वो सब में आप दे सकते हो, लेकिन वो मेन जो मंदिर है उसके सामने नहीं दे सकते हो। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके चारों साइड मतलब थोड़ा थोड़ा करके दे दिए थे। और यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम हो गया था, मतलब प्रॉब्लम नहीं, हम लोग भूल गए थे। तो मतलब जो दान बॉक्स होता है ना जिसमें पैसा देते हैं भगवान जी के लिए, तो हम लोग मतलब पूजा का जो थाल लाए थे रीतम, मतलब झूड़ी में जो सजा कर आए थे उसमें पैसा दिए थे थोड़ा, लेकिन वो दान बॉक्स में देना भूल गए थे। बाद में आते टाइम हम लोग को याद आया, अरे हम लोग तो दान बॉक्स में कुछ पैसे ही नहीं दिए। तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तब थोड़ा बहुत दे देंगे। और यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से पूजा कर रही हूँ,
और आप लोग कैसे पूजा करते, मतलब दोनों हाथ जोड़ के जो प्रणाम करते हो ऐसे करती कि मेरे जैसे एक हाथ से ऐसे घुमा के? मेरा मतलब ये हैबिट हो चुका है, हम लोग ऐसे ही, मतलब हमारे यहाँ सभी लोग ऐसे ही करते, एक हाथ से ऐसे घुमा के बस माथा से ठिका लेते हैं। तो यहाँ का हम लोग घूम चुके हैं, अभी हम लोग डायरेक्ट दूसरा जगह में, अब देखते कहाँ जाते हैं। और एक चीज़ मैं बताया कि मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम सनग्लास पहनी हूँ, पता नहीं ब्रैल लग रही हूँ कि इंसान लग रही हूँ, पता नहीं, आपका कमेंट करिएगा कैसा लग रही हूँ मैं। तो चलिए जाते हैं और दूसरा कहीं जगह पर घूमते हैं, तो ब्लॉग में कंटिन्यू रही है। और एक बाइक में हम लोग तीन बैठे, देखिए प्रीतम चला रहे हैं, हम और पीछे माना, और आगे बिल्कुल भैया है और भाई है। तो चलिए चलते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो देखिए फाइनली हम पहुंच गए हैं पापा जहाँ पे काम करते हैं, ईट भट्टा में। देखिए अब जाके बस मिलना बाकी है पापा से। जी नहीं, ये यहाँ का ईट भट्टा है, हम लोग वहाँ का नहीं। आते टाइम देखिए हम लोग रुक गए थे फुचका खाने के लिए, और यहाँ पे देखिए हाथ धोते हुए माना थोड़ा सा पानी छिटा दी तो भाई गुस्सा कर रहा था। अरे यहाँ पे देखिए सबका फुचका खाना स्टार्ट हो चुका है, मेरा छोड़ के मुझे लास्ट में मिल रहा था। देखिए सब व्यस्त हो गया थे फुचके खाने, और यहाँ पे फाइनली मुझे मिला था। देखिए मैं खा रही थी, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था फुचका, मतलब क्या ही बताओ। और हमारे यहाँ सबसे लास्ट में एक फुचका देते हैं सूखा वाला, उसमें मतलब मसाला, फिर झूड़ी भाजा, फिर चटनी वगैरह ये सब रहता है, वो मेरा मतलब बेस्ट पार्ट होता है। मतलब फुचका खाने जाओ वो ना मिले ना तो मैं बहुत गुस्सा हो जाती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वो। तो फुचका ठूस के हम लोग का पेट नहीं भरा है, तो हम लोग अभी आए चिकन पकौड़ा खाने, मतलब भाई और वो जो भैया थे मिट्टू भैया वो घर चले गए हैं, और यहाँ पे आए हैं हम प्रीतम और माना। तो चलिए पकौड़ा खाते हैं, यहाँ का पकौड़ा टेस्ट करते हैं कि कैसा होता है। मतलब हमारे यहाँ जैसा बनता हो वैसा तो नहीं दिख रहा है, पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, हम लोग का यहाँ तो बेस्ट होता है। तो चलिए खाते हैं। तो पहली बात तो देखिए अलग है, हम लोग का तो अलग होता है। देखिए यहाँ पे पीस करके दिया हुआ है, टेस्ट करके देखते हैं कैसा होता है। सर रीतम को एक रोल मिल चुका है, लेकिन मेरा कैमरा पकड़ा हुआ है। बाद में बात करते हैं, अभी खा लेते हैं। रीतम के लिए है, अब मैं टेस्ट करके देखती हूँ, पहले मुझे दिया टेस्ट करने के लिए। तो पकौड़ा बहुत ही ज़्यादा घटिया था, मतलब मैं लाइफ में इतना घटिया पकौड़ा नहीं खाई हूँ, बस पैसा दिए थे तो इसलिए खा लिए। और एग रोल ठीक ठाक ही था, मतलब चल गया, कम चल गया, लेकिन पकौड़ा बहुत ही बेकार था। पीछे से देखिए रीतम आ रहे हैं, हम लोग पैदल जा रहे हैं थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा नज़दीक में एक दुकान है चाय का दुकान, तो जानबूझ कर हॉर्न बजा रहा ताकि वो मुझे डिस्टर्ब कर सके। तो यहाँ एक चाय का स्टॉल है, तो वहाँ से अच्छा चाय मिलता है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं वहाँ से चाय पियेंगे, तब जाएगा शायद मेरा मुँह का स्वाद थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग का चाय बन चुका है, और यहाँ का खासियत यही है, मतलब अलग से चाय बनता है अलग जन के लिए, अब जैसे मीठा कम दूध ज़्यादा ऐसे जैसे बोलेंगे वैसे ही बना के देते हैं एक साथ। नहीं चाय मुझे मिल गया है, देखिए मैं पीऊँगी चाय, और चाय का एक खासियत मैं दिखा दी, तो देखिए फोकस करो यहाँ पे, देखिए मतलब जब तक इसको हम लोग बंगाली में सॉल्ट बोलते हैं, मतलब ये सॉल्ट जब तक मतलब जो होता है ना जिस कप में सॉल्ट, वो चाय बहुत ही अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। तो देखिए अब मैं ट्राई करके देखती हूँ कैसा बना है। बहुत ही अच्छा बना है, मुझे बड़ा वाला कूलर में पीना अच्छा लगता है, लेकिन ये रीतम छोटा वाला कूलर में मंगाया है। अब मैं इससे बिस्कुट खाऊंगी कि बस ऐसे पीऊंगी, मुझे कुछ पता नहीं चला है। अब देखती हूँ इसको मैं पी लेती हूँ, उसके बाद फिर अगर और चाहिए तो मैं कप ले लूंगी। तो चलिए पी लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो देखिए मेरा ये सेकंड कप है, जैसे कि मैं दो कप तो पीती हूँ बाहर जाती हूँ, तो चलिए ठीक से पीते हैं, एकदम आनंद लेते हैं।
तो हम लोग अभी जस्ट घर पहुंचे और बहुत ही ज्यादा आज इंजॉय किए, मतलब क्या ही बताओ। आप लोग को तो ब्लॉग देख के तो पता चल ही गया होगा कि मैं कितना ज्यादा खुश थी आज। तो ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो कहीं तक एंड करते हैं, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो टेन सनग्लास पहनी हूँ, पता नहीं तो पहली बात तो देखिए शुभ तो बेटे आसपे।